सो अगर आप डल लेक पे हो ना, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस वंस। भाई नोएडा से हो गया? अरे हाँ भाई। सो भाई लोग बैठ गए शिकारा पे, बहुत ज्यादा ठंड है, एकदम ठंडी हवा। हाय, निशान गार्डन है, तो मैंने सोचा एक गार्डन भी कवर कर लेते हैं अब यहाँ आए हैं तो। ये पराठा और ये मेरा हाथ है इतना बड़ा। सो फारूक भाई, फारूक राइट, कश्मीर की जो फेमस है हमारे पास, ये कश्मीर की फेमस साड़ी गुफारा, ये बढ़िया। खुल जा सिम सिम। यो फेलास, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इट्स आवर स्टोरी विद राजीव सरीन। पूरी एनर्जी के साथ आज नया दिन मैं शुरू करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दो एपिसोड्स के अंदर, फर्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको लेके आया कश्मीर, जिसमें 18 आवर्स ऑफ मेरी कंटिन्यूअस राइडिंग थी। सेकंड एपिसोड के अंदर हमने शंकराचार्य टेम्पल एक्सप्लोर किया, आसपास खाने पीने की जगह एक्सप्लोर की, और मैं ये एक बेसिक सी जगह पे रुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी साइड, द अदर साइड, वेर इन अगर आप आते हो, आपको हाउस बोट पे रहना है, थोड़ा लग्जरी एक्सपीरियंस करना है, तो आप कहाँ स्टे कर सकते हो, शिकारा करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो इस एपिसोड में बने रहिए और तैयारी पूरी जोर शोरों से, मेरी पैकिंग चल रही है, फिर सारा सामान जो बिखरा हुआ था मेरा वो सब मैं पैक कर रहा हूँ। अब चलते हैं आगे, ठीक है आंटी जी। सो अभी हम निकल रहे होटल से, बाइक के ऊपर सारा सामान लग चुका है और इंजन ऑयल लीक कर रहा है यार, पता नहीं क्यों कहाँ से कर रहा है, बट इंजन ऑयल लीक कर रहा है। अरे दिन के 12:30 बज रहे हैं और अब मैं जाके निकला हूँ होटल रूम से, जा रहा हूँ टूवर्ड्स डल लेक। तो ये है डल गेट एंड यहाँ से आपके सारे घाट शुरू होते हैं। दिस इज द ब्रिज, डल ब्रिज। कल काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी लेकिन कुछ टिकी नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ गुलमर्ग सोनमर्ग तो वो पूरा बर्फ़ से ढका होगा। ये है आपकी हाउस बोट्स, यहाँ पर आप रह सकते हो, स्टे कर सकते हो और ऐसे फोटोज भी खिंचवा सकते हो। जो फ्रंट लेक फेसिंग जितने हाउस बोट है ना वो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, आपको जो मेन डल लेक का रोड है ना उसके सामने आपको दिख जाएंगे। ये थोड़े एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं और जो बैक साइड वाले हैं वो थोड़े सस्ते होंगे कंपैरेटिवली। ये मेन मार्केट है जहाँ पे हमने खाना खाया था। राइट एंड साइड पे सारे होटल्स हैं, अगर आपको लेक फेसिंग होटल में रहना है, बोट पे नहीं रहना है, तो आप यहाँ रह सकते हैं। ये जो लेफ्ट एंड साइड पे छोटे छोटे बने हट्स हैं, ये सभी घाट है, घाट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। तो मैंने पूरी लेक का चक्कर मार लिया भाई, बहुत बड़ी लेक है यार, बहुत ज़्यादा बड़ी लेक है। यहाँ पे एक मेरे को चाइनीज़ ऑथेंटिक, दिस इज़ नानकिन, नानकिन लेक व्यू रेस्टोरेंट। सो बाइक लगा दी है यहाँ पे, अभी चलते हैं ऊपर कुछ खाते हैं। ओके सो राइट एंड साइड पे है एक्वेरियम, अगर आपको एक्वेरियम में जाना है तो आप यहाँ आ सकते हो। एंड ये है नुनकुन लेक व्यू रेस्टोरेंट विच इज़ ऑल चाइनीज़। ये जो कल बर्फ़ पड़ी थी वो थोड़ी सी यहाँ पे टिकी है बिकॉज एक ग्रीन ग्रास है, उसके अलावा हर जगह पिघल चुकी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अलग सी राइट हैंड साइड पे ना काफ़ी हाइट पे ये बना हुआ है, तो बहुत मतलब लेक से क्रॉस करो बहुत एकदम से अच्छा सा व्यू आता है। सो रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, एकदम चिल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोजी वाइब्स हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, एकदम ऑथेंटिक चाइनीज़ और जो इंटीरियर है ना बहुत प्यारा है। सो अगर आप डल लेक पे हो ना, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस वंस। बाकी आपको ये शॉट्स होपफुली अच्छे लग रहे होंगे बिकॉज आई एम एन्जॉइंग इट। आज मैं अकेला हूँ यहाँ पे, वीक डे और दिन का टाइम है, प्रोबेबली दैट्स वाई, बट या अकेला हूँ तो देखो कितने अच्छे से मैं कवर भी कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्राउड होता तो शायद मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता अच्छे से। सो सूप आ गया है यहाँ पे, एकदम बढ़िया चिली सोया सॉस और एक और एक ग्रीन चिली चटनी है। अकेले ही इंजॉय कर रहा हूँ बट या आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग मेरे साथ हो, बहुत ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा। और ये फाउंटेन भी स्टार्ट हो गया, अब ये धीरे धीरे पूरा नीचे तक आ जाएगा। रील पे इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा, तो जाके फटाफट से फॉलो मार दो और यहाँ पे कुछ भी ट्राई करो, मतलब कोई एक चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, एनीथिंग ट्राई, एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ सो ऑथेंटिक एंड नाइस। भाई सच में बहुत बढ़िया खाना है यार, मज़ा आ गया, मतलब दिन बन गया मेरा, सब कुछ सपाट ख़त्म। और बिल देखते हैं कितना है, 399, बहुत बढ़िया, इतने में बहुत बढ़िया खाना मिल गया मुझे, थैंक यू सो मच सर। नाम क्या आपका? इम्तियाज सर। इम्तियाज, ओके थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सर्विस, ठीक है जी, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, बढ़िया शुरुआत दिन की। मैं आप सबसे पूछता रहता था ना अकेले ट्रैवल करो तो ऐसी क्या चीज़ है जो कैरी कर सकता हूँ अगर कोई लड़ाई करे तो मारे या कहीं पे कोई दिक्कत हो जाए, भाई ये है वो चीज़, पटाक पटाक करके एक्सटेंड भी कर सकते हो और दिस इज़ वेरी वेरी लीगल बिकॉज कैमरा माउंट है, सिंपल इंस्टा 360 की इनविजिबल स्टिक है, मारने को भी बढ़िया है, शूट करने को भी बढ़िया है, सॉर्टेड सीन।
होप कभी ज़रूरत ना पड़े। वो डिफरेंट सी वर्ड है, सामान वगैरह वो अंदर पहुँचा देंगे ना। सो एजाज भाई जो रात को मिले थे अभी लेके जा रहे हैं हाउस बोट पे। सो आज हाउस बोट पे रहने का प्लान है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द शिकारा। शिकारा पे सारा सामान और मुझे लेके जाएंगे हाउस बोट पे, और मैं आपको दिखाऊंगा हाउस बोट कैसी होती है। सो ये दूसरी साइड है लेक की भाई, बहुत बड़ी लेक है सच में भाई। नोएडा से हो क्या? अरे हाँ भाई, भाई मैं भी ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से? हाँ भाई। घूमने आए? क्या बात है, सही है। हाँ, ग्रेटर नोएडा में कहाँ से? मैं तो नोएडा रहता था, अब गुड़गांव शिफ्ट हो गया। और भी दोस्त हैं, घूम रहा हूँ अभी तो, चल रहा है। कुछ कुछ जगह होगी, कुछ बची है। कैसे भाई? बढ़िया। बाइक कहाँ रखेगा? बाइक सेफ जगह खड़ी करनी है। सो बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है। एजाज भाई मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। थैंक यू भाई, मिलते जल्दी। आपका नाम क्या? परवेज। परवेज भाई लेके जा रहे हैं शिकारा पे, सामान सारा उसमें लाद दिया। कहाँ बैठूँ मैं? पहुँच गए होटल पे और सामान अपना उतर रहे। सो लेक के बिल्कुल साथ में हमारी बोट है, और ये है हमारा बोट हाउस। मुझे रूम मिल गया, रूम लुक्स लाइक दिस। ये एक डबल बेड है यहाँ पे, बहुत विंटेज सा फील है, और एक सिंगल बेड है। यहाँ पे सारा सामान मैंने रख दिया अपना। ये वार्म करने के लिए होता है, इसके अंदर रात को हम कोयले वगैरह जो भी आग लगा देंगे, धुआं होगा, स्मोक होगा, सारा बाहर चला जाएगा और ये पूरा रूम को हीट कर देगा। सो बाइक मैंने बाहर ही खड़ी कर दी थी और मैं अब रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए। चलते हैं शिकारा राइड पे, मैं आपको दिखाता हूँ शिकारा राइड पे क्या होता है। तो मैंने परवेज भाई को बोला है कि आप प्लीज़ एक बार चेक करके बताओ क्या प्राइसिंग है, कोई बेस्ट मुझे रेट मिल जाए और कौन सा मुझे करना चाहिए शिकारा। सो मुझे हेल्प कर रहे हैं, अभी चलते हैं बाहर, मिलते हैं आगे। सो भाई लोग बैठ गए शिकारा पे, बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम ठंडी हवा लग रही है अभी। दिस इज़ द व्यू दैट आई एम सीइंग राइट नाउ, और चार पॉइंट हम कवर करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम मुझे स्पेंड नहीं करना है, 3:30 हो गए ऑलरेडी। यहाँ से हमें होटल से पिक करके अब लेके जा रहे हैं। सो ये लोटस गार्डन है। सो यहाँ पे लोटस उगते हैं, और मार्च अप्रैल के टाइम पे, समर्स के टाइम पे, अभी विंटर्स है तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोटस दिखेंगे। और कुछ इस तरह से हमारी शिकारा दिख रही होगी इस टाइम पे। ये है गोल्डन लेक। ये सभी के सभी जितने बोट हाउसेज हैं, इन सब की रात को जब गोल्डन लाइट जलती है तो पानी में चमकता है। पानी में जब वो चमकता है तो एकदम गोल्डन गोल्डन व्यू आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गोल्डन लेक। वो एक वाटर एम्बुलेंस है, मतलब कुछ यहाँ पे अगर इमरजेंसी आए बीच में लेक के तो वाटर एम्बुलेंस भी है। हाँ जी, सो मैगी पॉइंट आ गया है, पीते हैं चाय। ये है अपना मैगी पॉइंट का मेन्यू, काफ़ी कुछ है अच्छा अच्छा, बट हम चाय पकौड़े लेंगे। भैया मिक्स पकौड़ा भी होगा क्या? मिक्स पकौड़ा, पनीर और प्याज का। हाँ कर दो, एक प्लेट। हाँ, और एक चाय। चाय लोगे आप? ले लो। सो पकौड़े और चाय। इस तरह से पूरा का पूरा बारबेक्यू जो है ऐसे बोट्स पे फ्लोट करते हैं, और वहाँ पे जितने लोग हैं उन सबको ये बेचते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ लाइक सस्टेनेंस फॉर दीज पीपल, यहाँ पे खाना पीना आना जाना सब प्रोवाइड करना। बेहतरीन नज़ारे, चाय पकौड़ा और शिकारा राइड, जस्ट ओनली इन कश्मीर। क्या व्यू है यार, मस्त, एकदम ठंडा ठंडा, बढ़िया बढ़िया माहौल। और अभी हमें नेहरू लेक में कुछ इस तरह का व्यू है मेरे सामने, पूरा का पूरा फ्लोटिंग गार्डन है। यहाँ पे खेती होती है टमाटर वगैरह की, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। सामने भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, ये अंदर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रोड्स वगैरह बने हुए हैं, और ऐसे पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, वो केसर बेच रहे हैं, शिलाजीत बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं यहाँ पे अगर किसी को खरीदना हो तो। मीना बाजार है, अगर शॉपिंग वगैरह करनी हो, यहाँ का कुछ लोकल सामान लेना हो तो यहाँ से कर सकते हो। मेनली सारे वार्मर्स हैं, और यहाँ पे शूट्स भी होते हैं, वो देख रहे हो सामने, वो रेडी हो रहे हैं, तो यहाँ फोटो शूट भी होते हैं। हाय, जब कोई कुछ बेच रहा होता है, कुछ एक्सचेंज हो रहा होता है, तो इस तरह से दोनों बोट्स जुड़ जाती हैं साथ में। और वो पूरी की पूरी हिल गई जैसी वो उतरे वहाँ से। जबकि ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, ये जो है 3-4 फीट ही होगा, लेक में बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। सो जिस शिकारा के अंदर मैं अभी घूम रहा हूँ, ये 2.5 लाख के आसपास तक का बन जाता है, और यहीं पे ही मार्केट में एकदम यहाँ पे जो इस तरफ शॉप्स हैं से वहाँ पे ये शिकारा रेडी हो जाता है। सो अगर आप में से किसी को बिजनेस करना है शिकारा का, 2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आके अपना शिकारा लगा के छोड़ दो। सारा का सारा घूमने के बाद वापस आके मेरा फिर से मन कर गया चाय पीने का, बिकॉज चाय बहुत अच्छी थी, पकौड़े भी अच्छे थे, लेकिन चाय का आपको पता है एक अलग ही क्रेज होता है। मुझे है, आई एम अ चाय पर्सन, कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, बट चाय चाय होती है।
सो सीजन यहाँ पे जून जुलाई का होता है, उस टाइम यहाँ रात भर शिकारा चलती है। तो सर्दियों में क्या होता है, शाम के टाइम में रुक जाता है, और गर्मियों में क्या होता है, रात भर शिकारा चलता है, लाइटिंग होती है, तो आप लोग किसी भी टाइम पे आके कर सकते हो। वो पीक सीजन होता है, बट एक्सपेंसिव होगा, बट हाँ उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। सो ये है मिस इंग्लैंड, और मिस इंग्लैंड का पूरा लोटस का अपना अलग है, पीछे गार्डन अलग है। तो सीजन के अंदर यहाँ पे 10,000 से कम आपको रूम नहीं मिलेगा, ऐसा भैया बता रहे हैं। और पीक सीजन में अगर आपको एक लग्जरी एक्सपीरियंस लेना है तो आप यहाँ आ सकते हो मिस इंग्लैंड के अंदर। खाना वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, शिकारा राइड अलग होती है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो अभी शिकारा राइड से वापस आ गए, हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए। आप चाहो तो 8 करो, चाहे तो 11 करो, चाहे तो 4 करो, जितना आपके पास टाइम है, जितना आपको पैसा खर्च करना है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। शॉपिंग भी कर सकते हो, बहुत अच्छा हमें गाइड किया जो हमारे क्या नाम है आपका, निजराम साहब जी ने बहुत अच्छा गाइड किया हमें, अच्छे से पूरा बताया, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा अभी तक। सो शिकारा राइड के बाद अब चलते हैं थोड़ा बाइक पे, और बाइक पे थोड़ा सा घूमते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं। सो मैं लेक पे पहुंच गया हूँ, बाइक मैंने वहाँ पार्क कर दी है, और इस कॉफ़ी शॉप में मैंने अपना हेलमेट रख दिया है। दिस इज़ आई लव श्रीनगर, एंड ये पूरा आपका जो है निशान गार्डन है। सो मैंने सोचा एक गार्डन भी कवर कर लेते हैं अब यहाँ आए हैं तो। सो ऐसे साइड में शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ग्लव्स और बहुत सारी कैप्स मिल जाएंगी। ये आपकी कश्मीरी वाली कैप्स है सारी की सारी, काफ़ी अच्छी है, फ्रफी फ्रफी। मैं ये ब्लैक वाले ग्लव्स देख रहा हूँ, दीज आर वाटर प्रूफ, बिकॉज जो मेरे डीकैथलॉन वाले उनमें हवा जा रही है, ये लेदर वाले होते हैं, तो आई होप इसमें हवा ना जाए। वहाँ बाहर नीचे आपको एक टिकट मिल जाएगी 24 रुपीज की, उसके बाद एंट्री लेके आप आ जाओगे निशान गार्डन में, जहाँ पे कुत्ता घूम रहा है वो। सो यहाँ पे कश्मीर की लोकल ड्रेसेस पहन के आप फोटोशूट करवा सकते हो गार्डन के अंदर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और गार्डन इज जस्ट लाइक अ गार्डन, काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है, क्लीन है, अच्छा है। शाम का टाइम हो गया तो ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाएगी, बट मैं एक चक्कर मार के निकलने वाला हूँ यहाँ से। सो ये है जो आपकी यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना है। दिस इज़ एट एक्सट्रीम कॉर्नर, लाइक हम जो पहले घूम रहे थे वो डल गेट था जो घाट नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और ये एकदम हम एक्सट्रीम एंड में आ जाएंगे दिलशाद गार्डन के सामने। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड, मतलब अच्छा हो मैं आज गार्डन आया, बिकॉज ये अलग जगह मुझे देखने को मिली। एंड गार्डन की अगर बात करूँ तो अंधेरा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, प्रॉबेबली विंटर्स है, दैट्स व्हाई, नहीं तो आई थिंक ये बहुत ग्रीन होगा तभी ये इतना फेमस होगा गार्डन, नहीं तो इस टाइम पे इतना कुछ खास था नहीं यहाँ पे। बट स्टिल मैंने एक बार एक राउंड मार लिया सो दैट आई डोंट मिस ऑन दिस। गार्डन के बाद मैं आ गया था यहाँ पे हज़रत बल दरगाह, और हज़रत बल दरगाह के एकदम सामने आप, तो ये है पराठा एकदम फुल साइज, और ये है सूजी का हलवा, काफ़ी सारी मिठाई, पकौड़े हैं ना वो सारे जी सर। अच्छा, जलेबी और पकौड़े, ये सब चीज़ें अगर आपको ट्राई करना हो लोकल स्ट्रीट फूड तो आप यहाँ के ट्राई कर सकते हो। लुक एट द साइज, ये पराठा और ये मेरा हाथ है इतना बड़ा, और वो दरगाह है। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी, मैं अंदर गया, बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा था। सो आप यहाँ डेफिनेटली विजिट करना, काफ़ी पीसफुल है। सो अभी थोड़ा सा लिया मैंने, और अगर आप मीठे के शौकीन होना तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। हाँ भाई, आपके ग्रुप वाले गए, अकेले हो क्या? हाँ, अकेला हूँ। कहाँ से आए हो? मैं बैंगलोर से। ओ, कौन सा, ये वाला है क्या अंदर? नहीं नहीं, अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा चलो ना, मैं छोड़ आता हूँ। ओह वाह। सो फारूक भाई, फारूक राइट, हाँ। सो फारूक भाई को लिफ्ट चाहिए थी डल लेक में एकदम, मैं पता क्यों रुका, इतनी ठंड थी, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पैदल चल रहा होता ना और मुझे कोई लिफ्ट नहीं देता तो मैं गालियां देता दिल से। गालियां भी दी होगी पक्का भाई, इतनी ठंड में ना पैदल चल रहा भाई, मैंने कहा यार इसको लिफ्ट देनी पड़ेगी। जैसे बाइक रुका ना, मेरे को लगा कोई सीआरपीएफ को कमांडो अच्छा मेरे को डाल के लेके जाएगा। नहीं, मेरे को था मैं भाई को छोड़ के आऊंगा घर तक, ये कह रहे थे बाहर ही छोड़ दो, मैंने कहा नहीं होटल तक छोड़ के आऊंगा। ये क्या है, ये तो गियर वो कर रहा था। अच्छा, ये अभी जो हीटिंग है, ये फ्यूल अंदर पंप होता है एक ना। इसका माइलेज कितना देती है? 20। हाँ जी, अच्छी है। 20-22, बहुत धीरे चलाओ तो 25 भी आती है। लाइट कितनी तेज है इसकी लाइट? ठीक है अभी भाई, कल मिलते हैं है ना फारूक भाई। डन करता हूं मैं आपको। डन कल वहाँ गुलमार्ग ना कर लेंगे आपस में। डन है, कल अपन लोग यहीं रुकेंगे किंग्स पैलेस में, और कल मैं आपको दिखाऊंगा रूम और कैसी जगह है ये। डल लेक से थोड़ा सा अंदर आके सोलो ट्रिप पे हो ना तो यही होता है, बहुत सारे कनेक्शन, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे लोगों से जान पहचान होती है, और अगर आपको लोकल शॉपिंग करनी है तो ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हो इफ़ यू लाइक इट। घाट नंबर 2 के सामने वाली गली के अंदर भट रेस्टोरेंट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको वाजवा, कौरमा, वो जो सब पीछे लिखा है वो सब ना। अच्छा,
ये क्या निकाला आपने अभी? ये इसको बोलते हैं रिश्ता। रिश्ता? रिश्ता। अच्छा, रिश्ता। मटन बॉल। ओके, मटन बॉल, सो दैट्स रिश्ता राइस के साथ। और बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मतलब कश्मीर का यही सब फेमस है ना, जो लोकल डिशेज है सारी। ये सारी डिशेज आपको मिल जाएंगी। बढ़िया, ये है रिश्ता मटन बॉल्स। ओके, थोड़ी होती है। कश्मीरी राइस, ठीक है। ये होते हैं सीख कबाब, ठीक है। तो इसको क्या फ्राई करते हो? ठीक है, रोस्टेड करके रखते हो और फिर फ्राई कर देते हो। कश्मीर की जो फेमस है हमारे पास, ये कश्मीर की फेमस सारी, ठीक है। बाकी नॉर्मल जब बनी होती तो और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। सो कश्मीर आओ तो लोकल डिशेज डेफिनेटली ट्राई करना, बिकॉज उसके बिना क्या स्वाद है। वेजिटेरियन हो तो दैट्स नॉट फॉर यू, नॉन वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अभी यहीं से हो? गुफारा। अच्छा, यूपी वाला, तभी आपने नंबर देख के बोला ना, नोएडा। सही है भाई, बहुत बढ़िया, सही है भाई। ओके भाई, सो रात के टाइम में जब लाइट जल जाती है तो इस तरह का व्यू आता है पूरा डल लेक पे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो रात का अलग मज़ा है, तो रात को आप डेफिनेटली निकलो एक बार, आसपास घूमो, बढ़िया खाना खाओ। ये पंजाबी हट्टी अपना, यहाँ खाना अच्छा था पंजाबी। अगर आपको चाहिए तो वेज चाहिए तो, और नॉन वेज चाहिए तो इसी गली के अंदर जाके आपको मैंने बताया बाजमा, वहाँ पर मिल जाएगा, घाट नंबर 2 के सामने। गाड़ी आपस में टकरा गई। यस, एक्सीडेंट हुआ, आई कैन सी ब्लड। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तगड़ा, गाड़ी के अंदर ही फ्रंट शीशे पे वजह उनका सर, और ब्लड ब्लड हो गया। शिट मैन, रात के बज रहे हैं 8:30। परवेज भाई मुझे लेने आ गए हैं, बाइक को गए पार्क यहाँ पे, और अब हम जाएंगे शिकारा के अंदर अपने बोट पे। पहुँच गए और लाइटें भी जल चुकी, लाइटें जल के बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ दी हाउस बोट जहाँ पे हमने बुकिंग की आज की, और बहुत ही प्यारी लग रही है बाहर से। खुल जासिम सिम ऐसे खुलता है। थैंक यू मेरे भाई। ये जो है एक तरह से लिविंग रूम टाइप है पूरा, यहाँ पे भी पूरा हीटिंग का सिस्टम है, सिटिंग का सिस्टम है, चिल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग गुलमार्ग गए हुए हैं, दैट्स वाई क्राउड नहीं है, बट द लेस द बेटर। ये दूसरा रूम है, एंड इसके बाद जो है मैंने आपको दिखाया अपना जो मेरा रूम था। सो इस पे 2 रूम है, और दोनों में डबल बेड और सिंगल बेड लगा हुआ है विद बुखारी, सो रात भर हीटिंग रहेगी। सो मैं अपने रूम पे आ गया हूँ, और मैंने आपको रूम दिखाई दिया कैसा है, सारा सामान अभी पड़ा हुआ है, और परवेज भाई बुखारी को स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आपको ये पसंद आया हो तो रूम जो है आपको 3500 रुपीज़ का मिल जाएगा, एंड उसके अलावा बुखारी 300-400 या 500 के आसपास आपको मिल जाएगी, बार्गेनिंग करके 300 तक मिल जाएगी। वैसे स्टैंडर्ड चार्जेस 500 तक भी होते हैं। यहाँ का जो कॉन्टैक्ट है, परवेज भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जगह का नाम भी आपको, होटल का नाम क्या बोलेंगे? न्यू शिरीन हाउस बोट। हाँ, तो होटल का अपना हाउस बोट का नाम है न्यू शिरीन हाउस बोट। मेक माई ट्रिप वगैरह पे भी चेक कर सकते हो, डायरेक्टली परवेज भाई को भी नंबर आप कॉल कर सकते हो, वो भी बुक करवा देंगे आपकी। कर सकते हैं ना आपको? हाँ, ठीक है। तो भाई को आप कॉल कर सकते हो, आपकी बुकिंग करा देंगे, शिकारा की भी अरेंज करा देंगे, तो सब आपका सॉर्ट हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे ये पसंद आया तो। ये वाला जो है मेरा रूम है, वहाँ पे आपका भाई आज सोएगा, और ये बुखारी स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर आपने लकड़ियाँ डाल दी ना पहले? हाँ। और ये क्या चीज़ है? ये पेट्रोल है। पेट्रोल, अच्छा, एक्चुअली केरोसिन खत्म हुआ है, अभी पेट्रोल यूज कर रहे हैं। नहीं तो केरोसिन डालते हो, ये बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। अभी हीट करता रहेगा और धुआं सारा बाहर जाता रहेगा, ठीक है। सॉर्टेड है सामान सारा इस बेड पे अपना, और यहाँ का मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। गर्म पानी आएगा ना? हाँ, गर्म पानी आएगा। मेरे को बता देना अभी ना कैसे आएगा। गर्म पानी आएगा तो हम आज बाथ टब के अंदर बढ़िया सा स्नान लेंगे, स्नान। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। यहाँ पे भी झूमर लगा है, जो टच है ना बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे भी वाइब है पूरी। सो वर्थ इट है एक्सपीरियंस ये वाला ना, यहाँ रुकने का। तो ये अपने परवेज भाई ने बहुत बढ़िया एकदम यहाँ पे बोट का पूरा मेरे को टूर दे दिया। टूर देने के साथ साथ एकदम बढ़िया यहाँ पे रूम हीट भी कर दिया। बढ़िया, हाँ, हमने कम से कम आधा एक घंटा बातें की होंगी, है ना? हाँ, ज्यादा ही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे। सेम यार भाई, सेम यार। बाकी आप कभी दिल्ली गुड़गांव आओ तो मेरे को याद करना, मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है? एक बार जरूर आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू भाई। सो यहाँ के पूरे रंग रूप में मैं आ चुका हूँ, और बुखारी के आगे सेक ले रहा हूँ, एकदम पूरा रूम हीट हो चुका है। आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना,
नेक्स्ट एपिसोड बहुत तगड़ा होने वाला है, बिकॉज हम जाने वाले हैं गुलमार्ग। गुलमार्ग में आपको बहुत सारी बर्फ दिखाने वाला हूँ, तो होपफुली कल हम गुलमार्ग में होंगे इस टाइम पे और आपको देखने को मिलेगी बर्फ। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। इट्स आवर स्टोरी, साइनिंग आउट।